हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन चाव हिंदी. आज हम रिएक्ट करने वाले हैं आज़ादी 14th अगस्त स्पेशल शॉर्ट फिल्म एंड इट इज़ फ्रॉम द चैनल द इडियट्स. चैनल का एंड वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. प्लीज़ सपोर्ट द ओरिजिनल क्रिएटर्स. और आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है इसलिए हम रिएक्ट कर रहे हैं. आई होप कि ये कोई बहुत ही अच्छा मैसेज के साथ आया क्योंकि इतना रिक्वेस्ट आया. आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी हाई थिंग्स वेरी बिग थिंग्स फ्रॉम दिस शॉर्ट फिल्म. सो होपफुली इट लिव्स अप टू द एक्सपेक्टेशंस. लेट्स एंजॉय. प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम द इडियट्स. पान थूका क्यों? लानत है, ये कोई पान थूकने की जगह है? अब्बा ये पाकिस्तानी होते ही ऐसे हैं, अजीब जाहिल आवाम है. ये पाकिस्तानी? क्या तुम पाकिस्तानी नहीं हो? अपनी मर्जी से नहीं हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट यहीं पे पैदा हुआ था. लेकिन फिर भी गलत बात है किसी एक बंदे की वजह से सारे पाकिस्तानियों को ब्लेम करना. गलत बात है. क्या गलत कहा है मैंने? हर कोई ऐसा ही है, पान गुटखा थूकना, कचरा फेंकना, चीटिंग करना. बेटा जो भी है अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमें. अपना घर है, अपना मुल्क है, सुकून की सांस लेते हैं हम लोग. किस चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए? गंदा करने के लिए आज़ाद करवाया था मुल्क. इससे अच्छा अंग्रेज़ थे, कम से कम कुछ फैसिलिटीज़ होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता हमारा. जी बिल्कुल, अंग्रेज़ होते हैं और उन्हीं अंग्रेज़ों के जूते साफ कर रहे होते और नौकर बनकर रह रहे होते. तुम्हें क्या पता कि कितनी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हासिल किया हमने? यार एक तो ये कुर्बानियाँ, जिसको देखो कुर्बानियाँ, इतनी कुर्बानियाँ. मुझे तो सब ये किस्से कहानियाँ लगती हैं. और आपको क्या पता, आप तो खुद यहाँ पे पैदा हुए थे. बेटा तुम्हारे दादा ने सब बताया था कि किस तरह की बातों को सीरियस मत लें इतना. मतलब अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, लेकिन आखिरी दिनों में उनका अपना नाम तक नहीं याद था. ये बस लोग किस्से कहानियाँ बना देते हैं, बातों से बातें निकल जाती हैं. अच्छा बस, ज़्यादा जबान चलाने की और बदतमीज़ी की ज़रूरत नहीं है. वो बदतमीज़ी मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो चीज़ मैंने देखी नहीं है मैं उस पर यकीन नहीं कर सकता. खैर आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो. अच्छा ठीक है ठीक है, जाओ ज़रा वो झंडियाँ ले लेना, वो छोटे ने मंगवाई हैं. अरे यार फिर वही झंडियाँ अगले दिन रोड पे पड़ी होंगी सारी, लोग चल रहे होंगे उसके ऊपर. अच्छा मैं अपने दोस्त नुमान के जा रहा हूँ, रात में वापसी में ले आऊँगा. ठीक है चलें. इंडिया में भी बहुत सिमिलर सिचुएशन नहीं है क्या? टोटली. बेगम हम्माद से कहना कि सुबह जरा मेरे धोबी से कपड़े ले आए. हम्माद तो नहीं आया अभी तक. नहीं आया? रात का एक बज रहा है, कहाँ है वो? फिर किसी दोस्त के यहाँ रुक गया होगा, सुबह जैसे ही आएगा मैं बोलती हूँ उसे. हाँ वो नुमान किया गया था, वो बंदा कम से कम एक कॉल कर देता है. खैर सुबह उसको याद से कह देना. जी जी ठीक है. बेगम हम्माद आया था क्या? नहीं अभी तक तो नहीं आया. नहीं आया? हद होती है, नंबर भी बन जा रहा है. अभी जाके लेकर आता हूँ मैं उसको, लेकिन तुम बीच में नहीं आना आज. खैर नहीं है उसकी आज. अरे सुनी स्टाइलिश विलन आ गया. क्या हो भाई, कौन हो आप, क्यों पकड़ा है मुझे? भाई मार क्यों रहे हो? आवाज नहीं आए अब. हुआ क्या है भाई? देखे भाई अगर आपको पैसे चाहिए. कहा भी है चुप हो जा, मार खाने का शौक है तुझे, ना तू बोलेगा ना मैं मारूंगा. अब मेरा फोन कॉल कर. शाबाश, अब आवाज तो नहीं आएगी. हम्माद नहीं आया? मैं तो वहीं से मस्जिद चला गया था और नमान किया, मैंने पता किया तो कह रहे हैं कि कल रात 8 बजे चला गया था. मैं समझा अब तक आ गया होगा. या अल्लाह खैर, आप और दोस्तों को कॉल करें, पूछे सबसे कहाँ रह गया मेरा बेटा. ऐसा केयरलेस कोई आदमी को देखा नहीं मैंने. हम्माद आया था क्या? जी जी सब खैरियत है. अच्छा नहीं आया, कुछ पता चले तो फौरन कॉल करिएगा. इतना देर के बाद टेंशन आया उसे? मैं भी वो हमेशा ऐसा करता हूँ ना.
विलन का स्वैग है। जी भाई, कहा था ना आवाज आएगी तो मारूंगा, सिर्फ अपनी मुंडी हिला। बता लगी है भूख? अब क्या कोई दिखाएगा? हमें भी परेशानी हो रही है। ब्रेड नॉट हेल्दी। जैसे कि हम लोग बहुत हेल्दी खाना खाते हैं। अब कोशिश करने वाले हैं लेकिन। पूछ लेगा। पानी पिएगा? गला तो सूख गया होगा तेरा। अब दिस इज डिस्गस्टिंग। चल खाना पीना सब हो गया, शाबाश आके मेरे पैर दबा, जल्दी कर। जान लगा, थोड़ी जान लगा, अभी पानी पिलाया ना तुझे। कि अगर अभी भी ब्रिटिश भाई आपकी इजाजत हो तो एक बात बोलूं। चल बोल, एक बात बोल, लेकिन दबाते दबाते बोल। भाई अल्लाह के वास्ते मुझे इस अजिया से निकाले, मुझे आपने क्यों उठाया है? आपको अगर पैसे चाहिए आप पैसे बता दें, मैं अपने अब्बू को कॉल कर लूँगा, आपको पैसे ला के दे देंगे, लेकिन अल्लाह के वास्ते मुझ पर रहम करें भाई। तूने तो कहा था एक बात है, ये तो पाँच छः हो गई। चल दबा शाबक, जान लगा। गुड पॉइंट है, इसने तो पूरा प्लॉट ही ये कर दिया। यही होगा 100% प्लॉट, नहीं तो पैसे भी नहीं चाहिए इसे तो। अरे आप अपने दोस्त को कॉल करें ना, वो जो एस एच ओ हैं वजाहत भाई, उनको कॉल करके देखें। इसी ने कहीं अस्सलाम वालेकुम उसको? नहीं फिर बस खैरियत ही तो नहीं है, एक इमरजेंसी में कॉल की है मैंने आपको। वो असल में कल शाम से हम्माद लापता है। हाँ हाँ, तमाम दोस्तों को कॉल किए लेकिन वो कहीं नहीं है। बस कल रात 8 बजे नुमान के घर से निकला है। प्लीज़ प्लीज़ पता लगाइए, सब बहुत परेशान हैं। बहुत शुक्रिया, जल्द से जल्द पता लगाइए, मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। अल्लाह हाफिज़। बेटा क्या हुआ? बेटा उठो। साहब कचरे में फेंक के चला गया था कोई रात को, कुछ खाना पीना कराओ, बिल्कुल जान नहीं है। बहुत मारा इसको, कहता है किसी ने उठा लिया था और मारता रहता था। बाकी SHO साहब पता लगवा लेंगे किसने किया है। वजाहत नहीं आया सर? नीचे गाड़ी में बैठे, आपको बुलाया है। बेगम मैं ज़रा शुक्रिया अदा कर कराता हूँ। जी जी ठीक है। हाँ भाई, पता चल गया आपके बेटे को आज़ादी और ग़ुलामी का फ़र्क। बहुत ज़रूरी था जनाब। वैसे भी आजकल के बच्चे और ये नई नस्ल पता नहीं कहाँ जा रही है। क्यों कर रहा था? वो कहते हैं ना, इसी को लातों के भूत बातों से नहीं मानते।
जो वो येलो टी शर्ट में था उसका एक्टिंग काफ़ी अच्छा था, मतलब हिज एक्टिंग वॉज नहीं जो किडनैप हुआ था हिज एक्टिंग वॉज वेरी मच ऑन पॉइंट, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि बिगिनर है या होगा भी नहीं, आई शुडंट जज, लेकिन मुझे उसका एक्टिंग काफ़ी अच्छा लगा एंड ऑफकोर्स विलन भी, मैसेज अच्छा था बट आई डिसएग्री विथ वायलेंस या हाँ, अगर पेरेंट्स ने बच्चे को पिटवाया किडनैपिंग भी किया रहता तो नॉन वायलेंट तरीका हो सकता था। आई नो कि दिस इज अ शॉर्ट फिल्म, रियलिटी नहीं है, आई थिंक कि बच्चों को भी उतना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए जितना बड़ों को मिलता है। जिस मैसेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैसेज वेरी मच ऑन पॉइंट, बहुत ही सही चीज़ है, स्टोरी टेलिंग के लिए इम्पोर्टेंट था, लेकिन आई थिंक कि रियलिटी में आप ही इमेजिन करो आपके पापा ने आपका किडनैपिंग करवा के थूका हुआ पानी में थूका हुआ आपको पीना पड़ा, देन खाना नहीं मिला, उधर टॉर्चर किया पीटा, लेकिन ये एक सोच बहुत जन की है कि ब्रिटिश के ज़माने में बेटर होता या ब्रिटिशर्स बेटर होते हैं हमारे पॉलिटिशियन से, जो हम भी काफ़ी डिस्कस करते हैं कि कितना ख़राब सिचुएशन था ब्रिटिश के टाइम में, लोग रियलाइज़ नहीं करते कि कितना ख़राब था, लोग को लगता है कि देखते हैं कि पुराने बिल्डिंग्स कितने ब्यूटीफुल है, यूरोप कितना ब्यूटीफुल है, अगर ब्रिटिशर्स इधर रहते तो हम भी यूके जैसा ब्यूटीफुल होते, बट आई थिंक एक चीज़ है उनकी जो हम आज के डेट में ले सकते हैं, वो है पहले वो इतने ईविल थे, मतलब ईविल ही बोल सकते हैं, बहुत ही इनह्यूमन था उनका बिहेवियर, लोगों को ऐसा कैप्चर करके उनका सब लूट लेना, मतलब या ब्रिटिशर्स एंड पूरा यूरोप भी वैसे ही था, वॉर्स करते रहते थे, बाकी कंट्रीज को कैप्चर करते थे, आजकल देखो एक यूनियन बना के साथ में रह रहे हैं और क्या पीस है, मतलब या पीसफुल डेवलपमेंट का हर एक हाइट्स को रीच किया उन्होंने, और सिर्फ मटेरियल डेवलपमेंट नहीं है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी बहुत ही आगे, तो वो एक चीज है आज के डेट में जो हम उनसे सीख सकते हैं, या उनका भी यही सिचुएशन था जैसा इंडिया और पाकिस्तान का वॉर्स होता रहता है या फिर हमेशा झगड़े चालू रहता है, वैसे ही यूरोप में भी सिचुएशन था, एंड आज उन लोग एक यूरोपियन यूनियन है जिसमें आप इधर से उधर विदाउट वीजा जा सकते हैं, फ्री मूवमेंट है एंड बहुत सारे डिसीजन सब कंट्रीज मिल के उठाते हैं, इट इज़ वेरी वेरी मोटिवेटिंग, या फिर जो हम लोग वो डायरेक्शन में जाना चाहिए उसका एक क्लियर इंडिकेशन है कि विच विल बी परफेक्ट फॉर अस, इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता, यूरोप का पाथ में चलना चाहिए हम आज के डेट में, हाँ पुराने हम अभी चल रहे हैं वो पुराने यूरोप के स्टाइल में चल रहा है, बट ग्रेट मैसेज, यस, और कम्प्लीटली एंजॉय किया, मुझे उसका स्वैग अच्छा लगा जो किडनैपर का, एंड शी सेड कि ये बेटर बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहा था काफ़ी, मतलब आई थिंक ही शुड डेफिनेटली ट्राई इन सम सीरियल्स और मूवीज क्योंकि हिज एक्टिंग वॉज अमेजिंग, इवन विलन का भी, क्योंकि जब वो मार रहा था आई एम वेरी श्योर कि वो रियल में ऐसा मार नहीं रहा होगा, होगा भी कांड से, बट वी टोटली एग्री विद दिस मैसेज कि आज़ादी का जो इम्पोर्टेंस है, जो कितना कीमत है, yes. वो लोगों को आज के ज़माने में याद नहीं है कि कितने सैक्रिफाइसेस के बाद मिला इंडिया एंड पाकिस्तान को आज़ादी, तो हमने भी जो कुछ कहा वो इस वीडियो से लिंक नहीं है, बट उससे ये चीज़ याद आया कि हम दोनों कंट्रीज में वायलेंस का इशू है, इसलिए हम लोग ने ये बात को उठाया एंड वी स्पोक अबाउट इट, बट डेफिनेटली वी आर नॉट सेइंग इट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो और द मैसेज दे आर ट्राइंग टू गिव, ओके, सो ऐसा नहीं है कि हम उस मैसेज को किसी भी तरह समझ गया नहीं हम लोग बहुत रिपीट करते हैं, हमारा चैनल देखोगे तो ये पता चलेगा कि हम लोग एक ही चीज दो तीन अलग अलग वेस में वापस बोलते हैं, और कभी कभी दो लैंग्वेजेस में बोल देते हैं, इसलिए हमारा वीडियोस हमेशा बहुत लॉन्ग होता है, तो अभी के पॉइंट पे लॉन्गर वीडियोस बनाना इज इलॉजिकल क्योंकि हमें कोई मोनेटाइजेशन तक नहीं है, तो हम लोग सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं आपका भी और हमारा भी, बट हमें ऐसा लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इंडियंस एंड पाकिस्तानीज को
ये सब मैसेजेस रीच होना चाहिए मैसेजेस. एंड वो हमारा जो भी मैसेज था यूरोप का, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अभी पीस की तरफ जाना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आगे भी किसी की जान जाए, कोई भी. मतलब एवरी लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस एंड वी वॉन्ट एवरीबॉडी टू लिव हैप्पीली टुगेदर एंड सब. इमेजिन करो यार, आज तक हम पाकिस्तान ऑलरेडी आ चुके होते. आई विश सीरियसली, मतलब अगर बस है सब है, हमें तो अभी तक 10 बार आके जाना चाहिए था. लेकिन क्या हम इतना डिफिकल्ट है हर कुछ चीज़ इंडिया पाकिस्तान में, टूरिज्म तक इतना डिफिकल्ट है. इमेजिन करो यूरोप जैसा बन गया तो इमीडिएटली हम लोग इधर से निकल के, मतलब अभी तक शायद चल के क्रॉस कर पाते, उतना इजी है. बट आई एम वेरी होपफुल कि इन फ्यूचर हम लोग उनसे भी आगे जाएंगे, क्योंकि आई थिंक वी आर, नहीं ऐसा सब बोलना नहीं चाहिए, सुपीरियर बोलने वाली थी, नहीं वी आर काइंड ऑफ बेटर पीपल देन देम, ऐसा बोल नहीं सकता. बट या हम लोग को ऐसा पहुंचना चाहिए वो लेवल पे या उससे भी आगे. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. See you in the next one. Bye. Bye.